अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान पंजाब पेज, और ये है मेरा पाकिस्तान। आज मैं आया हूँ रिसालपुर, रिसालपुर कैंट, जो कि 1910 से लेकर 1914 तक आबाद किया गया, जो एयरबेस थी और कुछ यहाँ पे लोकोमोटिव थी रेलवे की। तो मैं कुछ फुटस्टेप ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये देखें आप, पंडित किशन नाल, हाउस नंबर 1, कॉस्ट रेनोवेशन, व्यू प्रिजर्व। ये है मंदिर, मंदिर वाल्मीकि। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक है, मेहरबानी जनाब, खुश हो। अच्छा, आप किशन लाल हैं? जी जी, पंडित किशन लाल। पंडित किशन लाल जी, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके। मैं ये देखें जी, ये गवर्नमेंट ने जो नया दोबारा बनवाया 1990 में ये बना था वाल्मीकि मंदिर, और ये रिसालपुर के अंदर ये एक्टिव मंदिर है। और ये मैं जो है वो तकरीबन 4 मंदिर और भी हैं। मैं पंडित साहब से बैठ के अंदर बात करते हैं हम जी। ये सब गवर्नमेंट ने बनाया, जो सूबाई गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, ये है मंदिर का हदूद दरवाजा, आप ये देखें, ये है मंदिर, मंदिर वाल्मीकि रिसालपुर कैंट। और पंडित जी, अपना पूरा नाम बताइए जी। आप पूरा नाम बताइए अपना। मेरा पूरा नाम किशन लाल ही है जी। किशन लाल, पंडित किशन लाल, पंडित किशन लाल हैं। और ये देखें आप, ये यहाँ पे पूरी ये जो है वो ये हिंदुइज्म की जो पूरे भगवान और वो ये श्री कृष्ण महाराज जी हैं। हाँ जी, ये बंसी वाले जो हैं, ये शिव महाराज उनको कहते हैं, शिव जी। हाँ जी, तो ये भी शिव महाराज के हैं। और ये शेरवाली माता इनको कहते हैं, दुर्गा माता, दुर्गा माता, दुर्गा माता। अच्छा जी, ये भी राधे कृष्ण है। अच्छा 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 जी, ये भी दुर्गा माता की तस्वीर है। ठीक 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 ठीक, शेरवाली भी कहते हैं, अम्बे भी कहते हैं, माँ अम्बे जी जी। तो ये श्री वाल्मीकि जी हैं, इनको गुरु कहते हैं। अच्छा जी, इन्होंने रामचंद्र से पैदा होने से पहले 10,000 वर्ष पहले रामायण लिखा। अच्छा, रामायण लिखा था जी। हाँ, जो हिंदुओं की किताब है मुकदस जी, जी। वाल्मीकि रामायण कहते हैं उसको। सही, और ये रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, उर्दू में भी है, संस्कृत में भी है, संस्कृत में भी और उर्दू में भी रामायण यहाँ पे जी। ये शिवलिंग, इसको शिवलिंग कहते हैं जी। ये शिवलिंगा जो कि इसमें मक्का मजमा में भी यही पत्थर है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आज ही लोग जाते हैं, गोशे लेते हैं, ये वही सही है। इनका नाम क्या आपने बताया, ये जो लिख रहे हैं रामायण? वाल्मीकि जी। गुरबाल वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी। हाँ जी, ठीक जी। हमारे अच्छा। बाद सुबह शाम होती है, और जमा बाद मंगल को होती है। इबादत करते हैं एक ही जगह पे। ये भी तस्वीरें हैं, रामायण लिख रहे हैं। सही। और पंडित जी ने बताया कि ये सिख पंथ से बिलोंग करते हैं जी जी। और बड़ी खुशी हुई मुझे, ये एक मंदिर है और मंदिर के अंदर जो है वो हिंदू मत और सिख मत दोनों ही आते हैं यहाँ पे लोग। और बैठिए जी पंडित जी। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है पंडित साहब? बैठिए ज़रा। 98 साल है जी। माशाल्लाह, 98 ईयर्स ओल्ड हैं पंडित साहब जो हैं। और 30 साल में नौकरी की है, 79 में रिटायर हुआ हूँ एयरफोर्स से। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स में ड्यूटी करते थे और रिटायर हुए हैं 79 में। 79 में क्या करते थे आप? मैं टेक्नीशियन था। अच्छा जी, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो टेक्नीशियन थे पंडित साहब। खाली जो है वो मंदिर को ही नहीं संभाला हुआ, इन्होंने गवर्नमेंट की जॉब भी की है और प्रॉपर जो है वो नौकरी करते थे। और दूसरा, मैं
पाकिस्तान शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का रिसालपुर का सदर भी हूँ और सूबाई एडवाइज़र हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री बोर्ड का मेंबर भी हूँ। गुड। और सिविल डिफेंस का पोस्ट वार्डन भी हूँ। गुड। ये सब खदमतें हैं मेरे पास। वाह जी वाह। और लोग आपकी इज्जत करते हैं। जी हाँ जी। तो अच्छा, आपने आपकी पैदाइश कौन से सन की है? आप अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि आप 98 ईयर्स के हैं, तो आपने जो है पार्टीशन जो है वो अपनी आँखों से देखी है सारी बात। ऐसी ना जी के हम गांव के लोग रहने वाले हैं, कोई सन वैसे याद नहीं है। तो जब ये बना शनाख्ती कार्ड तो उसके लिहाज से जो है ना सन 1936 की पैदाइश लिखी है उसमें। आपकी 36 की पैदाइश लिखी और आपने बताया कि आप ज़िला करनाल से हैं। हाँ जी हाँ। गाँव का क्या नाम था? जलमाना। जलमाना। बता रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा लोग जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे, मुस्लिम्स हो गए थे। मैंने पाकिस्तान मंजूर किया था। पाकिस्तान मंजूर किया था, लिखवा रही थी गवर्नमेंट ना। अच्छा, कि भी आप कहाँ जाएंगे, तो आपने लिख कर दिया कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा, पाकिस्तान में रहूँगा। गुड। तो आपको किसी ने फोर्सली नहीं रोका, आप अपनी मर्जी से रुके? पार्टीशन के बाद गई नहीं, जा नहीं सका। अच्छा, क्योंकि सरकारी नौकर आदमी जा नहीं सकता था। हाँ, सरकारी मुलाजिम थे पीएफ रिसालपुर के, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं वो लोग ज़्यादा फॉरेन टूर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी नहीं गए। और बाकी बहन भाई आपके? बाकी बहन भाई, माँ बाप, सब खानदान उधरी था, मैं सिर्फ तनहा रह गया था। आप अकेले रह गए यहाँ पे? नहीं। तो अब कोई उनमें से आपके पास मिलने के लिए कोई आता है? जी। आपको मिलने के लिए कोई आता है? नहीं जी, क्योंकि 1952 तक मेरे उनके साथ बातचीत होती रही है, खत खतूत आते जाते थे, तो आपको पता है तलुकात अच्छे नहीं रहे, तो सेंसर होते थे खत। खत सेंसर होकर आते थे। तो उसमें वो खत जितने भी थे हिंदी में आते थे जी, और एड्रेस अंग्रेजी में होता था जी। जब मैंने देखा कि यार जब मैं पाकिस्तानी हूँ, नेशनलिटी मेरी पाकिस्तान की है, तो खत भी मैंने बंद कर दिए। खत भी बंद कर दिया? बंद कर दिए। तो क्या आपको अपने माँ बाप, बहन भाई सारे याद तो आते हो? ख़त्म हो गए। ये 85 में गवर्नमेंट ने मेरा इंटरव्यू शाया किया था, उसमें मेरे शवानी उम्र लिखी थी, तो वो सिख लोग उधर से आए पंजे साहब, मैं भी गया हुआ था, तो उधर एक सिख जो इधर से लाहौर से गया था, तो वो गांव में सेटल हो गया, उसको जायदाद वगैरह उधर मिली, तो कहते रहे उनके माँ बाप, तो कहते थे इसके मुसलमान हो गए या मर गया, ये तो जिंदा रहे, हिंदुओं का लीडर है, तो ये तो जिंदा है, ठीक ठाक है। लेकिन इंटरव्यू में मैंने तस्वीर नहीं दी थी। अच्छा अच्छा, आपने तस्वीर नहीं दी थी? तस्वीर नहीं दी थी। तो वो घर वाले आपको यही समझते थे कि ये मुसलमान हो गए? मुसलमान हो गया और यहाँ मार दिए गए? मार गया। तो अल्लाह के शुक्र से आज आप, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप हयात हैं, आप जिंदा हैं। तो आपके वालिद का क्या नाम था? ग्यासुराम जी। ग्यासुराम। ग्यासुराम जी। और वालदा? वालदा उनको दो नाम से पुकारा जाता था जी, एक तो भाभी कहते थे घर में जी जी, तो नाम उनका सुखदेई था। सुखदेई जी। और टोटल कितने बहन भाई थे आप? हम 6 बहन भाई थे जी, 3 भाई 3 बहनें। सबके ज़रा नाम बताएंगे आप? तो भाई बड़ा था, उसका नाम था सरदाराम जी, और जो बहन थी मेरे से छोटी उसका नाम था कृष्णा जी, दूसरी का नाम था शकुंतला। शकुंतला जी। और छोटा भाई मेरे से बाद जो हुआ उसका नाम परशुराम था। तो बस ऐसी था जी सब। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कोई अंदाज़ा है कि सारे बहन भाइयों में से कोई ज़िंदा है? कुछ पता नहीं है जी, रास्ता नहीं है। देखें जी, अगर मेरी ये आवाज़ जो है ज़िला करनाल तक, और अपने गांव का नाम दोबारा बोलें, जलमाना, जलमाना तक ये आवाज़ जाती है, देखें आपके मामा हैं या आपके ये चाचा हैं, ठीक है, इनमें से अल्लाह करे आपकी कोई बहन और भाई भी ज़िंदा हों और वो आपको देखें इस वक्त,
तो वो लाजमी बात है ज़रूर खुश होंगे कि वो पाकिस्तान में उनके भाई जो हैं यहाँ पर अकेले अपनी अभी ज़िंदगी यहाँ पे बसर कर रहे हैं, पूरी फैमिली के बगैर यहाँ पे रह रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो गवर्नमेंट सर्विस भी की, उन्होंने रिटायरमेंट भी ली और ये मंदिर अभी इनके हवाले है। और ये मंदिर जो है वो ये चला रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर रिसालपुर। और मुझे भी शर्फ हासिल हुआ कि मैं आज इनसे मिला हूँ। ये इतनी बड़ी शख्सियत है, इन्होंने इतना कुछ अपना जो है वो दान कर दिया, अपना सब कुछ भेंट कर दिया, अपना घर भेंट कर दिया, अपने बहन भाई भेंट कर दिए, अपने माँ बाप जो हैं वो भेंट करके इन्होंने पाकिस्तान को चुन लिया और ये यहीं पे रह गए। और वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पाकिस्तानी कहलाता हूँ, मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। इन्होंने नौकरी भी की और अब यहाँ पे हैं। ठीक है, अच्छे बुरे वक़्त तो हर इंसान पर आते हैं, लेकिन मज़ा तो तब है कि इंसान हर हाल में जो है वो खालिक़े कायनात का शुक्र अदा करे। और वो मैं कैदी अजम साहब से भी मिला हूँ, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान बना। वेरी गुड। तो मैं उनको कैदी अजम साहब को तो उर्दू नहीं आती थी जी, तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप तो अभी बच्चे हैं, छोकरे हैं, तो आप हार लेके आए, आपने क्या सोचा है मेरे बारे में? मैंने बोला जी आपने दो चीज़ें मैंने आपकी सोची हैं, एक चीज़ तो ये कि आपने पाकिस्तान बनाया, दूसरा मेरी पार्टी का जो सदर है जोगिंद्र नाथ मंडल, उसको आपने मिनॉरिटी मिनिस्टर लिया और लॉ मेंबर लॉ मिनिस्टर लिया, तो ये बड़ी मुझे खुशी हुई। और दूसरा लियाकत अली खान साहब जो है नवाब खानदान से हैं, ये मेरे खास डिस्ट्रिक्ट है, इनकी भी मुझे खुशी है कि इसको प्राइम मिनिस्टर आपने लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी टाइम आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे, तो मैंने बोला सर मैं तो गरीब फैमिली से तलक रखता हूँ, मैं लीडर नहीं बन सकता। उन्होंने कहते हैं दैट इज़ माई नॉलेज एंड यू मेक टू बिग लीडर सम टाइम। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पंडित किशन लाल साहब के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि आप किसी दिन एक बड़े लीडर होंगे। तो आज सुबह सरहद में पंडित साहब का नाम बोला जाता है, इनकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, लोग इनको बहुत मान देते हैं, ये मिनॉरिटी के इस वक्त जो हैं वो अलम्बरदार हैं और मिनॉरिटी का झंडा इनके हाथ में है। जी आगे बताइएगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा आपको और मज़ीद? कायदे आज़म साहब ने आपको कायदे आज़म साहब ने जनाब कहा कि दैट इज़ माय नॉलेज, आई एम रीड योर फेस, बट यू मेक यू सम टाइम बिग लीडर ओवर कम्युनिटी गेट दैट इज़ माय प्रे। ओके, अच्छा उन्होंने आपके लिए दुआ की है कि भी आप एक लीडर, और वो बात सही हुई, सच निकली, अच्छी हुई। अच्छा अभी जो है मतलब कि आप हमें ये बताएं कि जो 47 से पहले यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 5 मंदिर थे जी, यहाँ पर रिसालपुर में कितने मंदिर थे? वो उस वक्त तो बहुत नफरी थी ना जी। नहीं, मंदिर कितने थे यहाँ पे? मंदिर यहाँ पर ये हिंदू महासभा और उसके बाद नाम आर्य समाज, फिर सनातन धर्म अग्रवाल मंदिर और सिख गुरुद्वारा। ये अभी भी मौजूद हैं लेकिन हिंदू काफ के अंडर हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारा मंदिर है, ये हिंदू महासभा के नाम से था। ठीक। तो हिंदू महासभा 36 में इंडिया में डॉक्टर मेदकार गुजरा, आपने सुना होगा कहीं? जी जी। मेदकार ने इसका प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया हिंदू महासभा का। जी जी। फिर उसने इसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसका नाम रख दिया। सही। तो इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलती है, पाकिस्तान में पाकिस्तान शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलती है। अच्छा अच्छा। तो जगह जगह इनकी ब्रांचें हैं और जितने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं वो सब शेड्यूल कास्ट के नाम से हैं। अच्छा। हिंदू कास्ट के मंदिरों को तो अभी कुछ देने लग गए हैं, पहले नहीं देते थे जी, पहले नहीं, ना सिखों को ना हिंदुओं को जी, उनकी अपनी वो थी, हमें तो गवर्नमेंट हमारा हक है पूरा, और 6% हमारी सीटें हैं हर डिपार्टमेंट में। गुड।
तो हमारे बच्चे लगे हुए हैं, पढ़े लिखे अच्छे कामों पर लगे हुए हैं। मेरा अपना बेटा है 2 नंबर का, वो PIA में सब इंस्पेक्टर है। PIA में सब इंस्पेक्टर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करेंगे उसमें इनका बेटा में ड्यूटी करते हैं। और मेरी छोटी बेटी का लड़का भी ASIM में भर्ती हुआ है। हाँ जी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बता रहे हैं कि इनकी बेटी का बेटा जो इनका नवासा जो है वो एक जो है वो ASI भर्ती हुआ है, जो 6% कोटा नॉन मुस्लिम का है पाकिस्तान के अंदर। वो बता रहे हैं कि जो इनकी कम्युनिटी का है वो इनको राइट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। और मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि इनको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये पंडित साहब खुद बता रहे हैं कि हमें यहाँ पर एज ए माइनॉरिटी में हमें सीट्स भी मिल रही हैं और बच्चे हमारे पढ़ लिख भी रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं। क्या कभी किसी ने आपके साथ कोई फ़र्क किया यहाँ पे? ना, यहाँ नहीं। इंडिया में बहुत ज़्यादा सारे लोग, मेरे पेज पे बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं, वो लोग मुझे वाइफ का इंतकाल हुआ जी, उसमें यानी रिसालपुर का रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं था जितना बड़ा जनाजा मेरी वाइफ का था। बता रहे हैं कि जब अर्थी उठी इनकी बीवी की, तो उस वक्त इनकी पत्नी की जब अर्थी उठी है यहाँ पे, तो बता रहे हैं कि रिसालपुर में ये रिकॉर्ड है कि पंडित साहब की जो पत्नी थी उनका, उनकी जब अर्थी उठी तो उसके साथ इतने लोग थे कि आज तक कभी भी किसी मर्तिव पे, किसी भी फौतगी पे, किसी भी डेथ के ऊपर इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए जितने के पंडित साहब की बीवी के डेथ के ऊपर इकट्ठे हुए थे। और दूसरा नंबर ये है कि मैं सब की बीमारी गमी खुशी में ऐसा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, लोग मुझे पूछते हैं, इज्जत देते हैं। यहाँ कोई ये फ़र्क नहीं है कि ये हिंदू है या ईसाई है या मुसलमान है या क्या। लेकिन इंडिया से मुझे बहुत ज़्यादा सारे लोग कहते हैं, तंज करते हैं हमें कि आप लोग पर्दा जी पर्दा डालते हैं। सही है जी, जो देहात में लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी किस इंसानों की नहीं गुजर रही है। सही, तो जो शहर में है उनसे छूतछात नहीं की जाती, तो बाकी जो गांव में तो बहुत उनको अकीज नज़रों से देखा जाता है। सही, तो हम बल्कि यहाँ तक है कि हम पाकिस्तान को और बल्कि इस्लाम को हम बहुत अहमियत देते हैं जी जी, इसलिए कि इस्लाम के अंदर कोई फिरका परस्ती नहीं है जी। हमारे बच्चे, मैं खुद एयरफोर्स में रहा हूँ, मेरे को जितनी जिम्मेदारी की ड्यूटी होती थी मुझे देते थे जी, और मैंने अपने ट्रेड के अलावा भी सब काम किए, जो मुझे ऑर्डर मिलता था मैं करता था। इसलिए करता था कि हमारा अपना वतन है जी जी, हमने सब काम को संभाल के चलना है। तो एयरफोर्स में ये था कि जो ट्रेड होता है वही ट्रेड का काम करता हो जी जी, लेकिन मैं ऐसा था कि जहाँ भी मुझे फिट कर देते थे, जो काम किसी से नहीं होता था ना, वो कहते जाओ भाई महाराज को बुलाओ, मुझे महाराज ही ज़्यादातर कहते थे। अच्छा, आपका नाम नहीं लेते थे, आपको सिर्फ महाराज महाराज कहते थे। वाह जी वाह। तो अभी आप, अच्छा आपने अभी ये बताया था मुझे थोड़ी देर पहले कि भी आप सिख मत से हैं जी, आपने कहा था ना मैं सिख मत से हूँ। सिख मत से मेरा मतलब हम लोगों में ऐसा होता है ना जी, बैत होते हैं, उसको हम कहते हैं गुरमुख जी। तो मैं नानक पंथ से गुरमुख हूँ। अच्छा, नानक पंथ से आप गुरमुख हैं जी। देखें जी, मैं ये रुमाल जो है मेरे पास तो हर वक्त मौजूद होता है, जब भी मैं किसी स्थान पर जाता हूँ तो मैं साथ लेकर जाता हूँ, सर को ढांपता हूँ मैं भी, क्योंकि तमाम मज़हब की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है, सबको चाहिए, तमाम मज़हबों को चाहिए कि एक दूसरे से प्यार बढ़ाएं और एक दूसरे से मोहब्बत करें। बहुत नफ़रतें हो गई, बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत झगड़े हो गए, तो देखें कितना प्यारा मैसेज था पंडित साहब का। पंडित साहब ने अपना पूरा, मैं अनबिलीवेबल, मुझे यकीन करें कि मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही है कि मैं कैसे एक शख्स जो है वो अपने बाकी 5 बहन भाई, अपने वालिद वालदा सबको छोड़ के अकेले पाकिस्तान रह गए। तो क्या अब उम्र के इस हिस्से में कुछ महसूस होता है, कुछ याद आती है? अभी देखिए ना जी, के यहाँ पर देखा जाता है कि यानी अच्छे बुरे हर खानदान में हर फिरके में होते हैं जी, लेकिन जहाँ तक अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं,
अब गवर्नमेंट हमें हर साल दिवाली का फंक्शन कराती है इधर इस्लामाबाद में, खाना खुराक सब गवर्नमेंट का होता है जी, और हमें वो बल्कि पैसे भी देते हैं जी, पाँच से भाई लाइट चली गई जी, 5,000 रुपये देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि आपको वो जो है, आइए ज़रा थोड़ा सा उठें यहाँ से, रोशनी कम है यहाँ पे। बाबा साहब भी आज भाई इंतजाम किया जाता है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है जब, बल्कि जब दिवाली होती है तब भी है। हर साल फंक्शन गवर्नमेंट कराती है, तो अच्छा गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करवाती है और बकायदा तौर पे फंड्स भी रखे जाते हैं। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ वाल्मीकि मंदिर, और मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान। बस यहीं पे 2 मिनट लेते हूँ आपके, अगर बैठे हैं यहाँ पे, लाइट ज़रा सामने है थोड़ी सी, तो मैं इस वक्त जो बैठे हाँ जी पंडित साहब के साथ हूँ, वाल्मीकि मंदिर रिसालपुर। अचानक से लाइट जाने की वजह से मेरी बातचीत अंदर से ख़त्म हो गई। तो पंडित साहब हमें बता रहे थे अपनी कुछ यादें और कुछ अपने मुतल्लिक, जो कि 98 साल की उम्र में 100 साल के हो गए हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे, सेहत दे, और इसी तरह ये लोगों की खिदमत करते रहें जैसे खिदमत कर रहे हैं, और लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये बड़ी पूरे पाकिस्तान में, कराची में मैं गया, उधर भी प्रेसिडेंट रहा मैं। कराची में 74 में गया तो 79 तक मैं रहा उधर। 74 से 79 5 साल तक कराची में ये रहे। हाँ, प्रेसिडेंट रहे का, महावीर हनुमान सेवा मंडल का मैं प्रेसिडेंट रहा। महावीर हनुमान जी, महावीर हनुमान जी जी, मंदिर जो है जी फरे रोड पे है उधर, 4 नंबर एरिया है कराची का जी जी। तो वो मैंने सब ये छूछा सब खत्म किया था। अच्छा, मंदिर में और जनाजे में और इबादत में कोई छूछात नहीं होगी, तब तो मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट बनता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनता। आके सब एक मंदिर में आएंगे जी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए हमारे जो पैगंबर है अवतार जिनको हम कहते हैं जी, उन्होंने नीच कौम से ज़्यादा मोहब्बत की है और उन्होंने नीच कौम के घरों से ज़्यादा खाया, यहाँ तक कि रामचंद्र अवतार के अंदर बिल्ली के झूठे बेर खाए। वो जंगली बेर ले आकर रखती थी, खट्टे मीठे देखती थी, जो मीठे होते एक तरफ रखती, जो खट्टे एक तरफ रखती। जब रामचंद्र आए वनवास दिया उसके माँ बाप ने, तो उसके घर उसके झोपड़ी में गए तो उन्होंने झूठे बेर खाए। तो मैं उनको रेफरेंस देता था कि तुम या तो कहो कि हम रामचंद्र को नहीं मानते, कृष्ण ने विदुर के घर की ज्वार की रोटी खाई और पंडित के घर के 36 किस्म के खाने नहीं खाए। बिल्कुल। तो राधे ने बोला कि महाराज जी ये 36 किस्म के भोजन आप नहीं कर रहे, इनके क्या वजह है, और आप ये ज्वार की रोटी और साग सरसों का, ना इसमें कोई घी है ना तिड़का, कुछ सादी सी चीज़ है। तो कहने लगे राधे हाथ करो ऐसे, उधर पंडित का भोजन भी लिया उधर वो साग रोटी भी ली और छोड़ा, तो उस मक्की की रोटी से दूध निकला और उधर से खून निकला। उसने क्या बताया, अपना रुधिर कहते हैं संस्कृत में खून को, तो श्री कृष्ण ने क्या बताइए कि मैं अमृत पीऊँ या रुधिर पीऊँ। तो उन्होंने क्या, महाराज आप बेहतर जानते हैं, कहते हैं लोगों के गले काट काट के दौलत जमा किए इसने। अच्छा पंडित साहब, आप कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई अमन का पैगाम देना चाहते हो? जी जी, मेरा एक पैगाम है, हम जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं हम सब एक हैं, और हमें कैद आजम के पैगाम के मुताबिक हम लोगों को उनका पैगाम सरसब्ज रखना चाहिए। हमको यही चाहिए कि हम एक हैं सब, अपने कोई मंदिर को जाता हो, कोई मस्जिद को जाता हो, कोई चर्च को जाता हो, कोई इमामगाह को जाता है, लेकिन हम पाकिस्तान की एक कौम है, हमारा एक झंडा है,
हम एक झंडे को मारने वाले हैं। हमारा फर्ज यही है कि अपने मुल्क की अच्छी तरीके से खिदमत करें। जिस जगह पर हम ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, और बल्कि गैर लोगों को साथ नहीं देना चाहिए, अपने उन भाइयों का साथ देना चाहिए जो इस मुल्क के शुदाई हैं, क्योंकि मुल्क बड़ी मुश्किल से हासिल किया हमारे बड़ों ने, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आखिर पे आप अपने बहन भाइयों के लिए कोई पैगाम देना चाहें, अगर उनमें से कोई ज़िंदा है तो? देखिए जी, बहन भाइयों का तो ये है जी, पता नहीं वाला आलम वो भी जीते हैं कि मर गए, उनका कोई ना कोई तो होएगा जी। तो मेरा पैगाम यही है कि अगर मेरा वो एड्रेस नोट कर लें, मेरे साथ खतो खतावत करें, क्योंकि मैंने जब सर्विस से रिटायर हुआ तो दो खत लिखे, दोनों वापस आ गए, उसमें कोई वजूहत नहीं लिखी है। तो अगर कोई उनमें से जिंदा है, सरदार राम के बच्चों में से, या कूड़ा राम मेरा चाचा था, उसके उनका नाम कूड़ा राम रखा था, मेरी दादी के बच्चे नहीं बचते थे तो उसका नाम कूड़ा राम रख दे के कूड़ा क्रिकेट, तो उसके अगर कोई बच्चे हैं, या मेरा चाचा संत राम है, अगर उनके कोई बच्चे हैं, राखला लीला ये दो लड़के उनके थे, उसके बाद में और बच्चे हो गए होंगे। सगे बहन भाइयों के नाम दोबारा बोलें अपने, ताकि अगर उनमें से कोई ज़िंदा है या उनके बच्चों में से आपसे कोई मिलना चाहे या रब्ता करना चाहे। उसमें यह है जी, अगर खतो खिताब करेंगे तो मैं पासपोर्ट बना कर जा सकता हूँ, लेकिन जब तक वहाँ का खत ना हो तो वीज़ा नहीं लगता जी। तो इसलिए अगर कोई ज़िंदा है उनमें से तो मेरा एड्रेस है पंडित किशन लाल, पाकिस्तान शेड्यूल कास्ट, रिसालपुर ब्रांच का प्रेसिडेंट, और सूबे पख्तूनख्वा खां का खैबर पख्तूनख्वा एडवाइज़र, और रिसालपुर ब्रांच का प्रेसिडेंट, और हिंदू महासभा का भी प्रेसिडेंट, मजबूत पार्टी है। तो अगर कोई सुनता गिनता है तो मुझसे खतो खतावत करें, अपना हवाला लिखे उधर का, तो मैं भी खत लिखूं, तो आपका कोई खत आए तो फिर मैं पासपोर्ट बनाऊं, तो आप लोगों के दर्शन करूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अपनी पैदाइश की जन्मभूमि को देखूं, बस यही मजबूरी है कि पाकिस्तान में हमें किसी चीज़ की भी तंगी नहीं है, किसी चीज़ का दुख नहीं है, मजहबी पूरी आज़ादी है, हमारे मंदिरों की देखभाल जितना रिपेयरिंग वगैरह सालाना बजट गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है, हमारे बच्चों को वजीफे देती है स्कॉलरशिप, और हमारे बच्चे आला से आला तालीम हासिल करते हैं, किसी किस्म का इम्तियाज नहीं बरता जाता, और हम बड़े खुश हैं पाकिस्तान में। ये बातें थी पंडित किशन लाल साहब की, जो कि रिसालपुर में, अगर कोई इनका कोई रिश्तेदार या इनसे कोई रब्ता करना चाहे तो पंडित किशन लाल मंदिर वाल्मीकी रिसालपुर कैंट, ये लिखें आप, तो पूरा ख़त कोई भी लेटर है जो भी है चीज़ है वो यहाँ पहुँच जाएगी। आपका कोई फ़ोन नंबर है जी? आपका फ़ोन नंबर है कोई? नहीं समझा। टेलीफोन बच्चों का है जी, इन्होंने, मैं बीमार हो गया था तो उन्होंने मेरे सब को जमा करा लिया। अच्छा, आपके बेटे का कोई नंबर आप बता दें? उनका नंबर है, बेटों का नंबर बोलें, अभी मैं आपको उससे ले दूंगा। अच्छा, नंबर पंडित साहब को नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई रब्ता करना चाहे या कोई कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर कोई बाय लेटर कोई बंदा करना चाहता है रब्ता इनसे, तो इनके रिश्तेदार, इनके भाई, इनके भतीजे भतीजियां या भांजियां भांजे, जो उनके बहन भाइयों के बच्चे हैं, तो वो लिख सकते हैं इनके लिए पंडित किशन लाल वाल्मीकि मंदिर रिसालपुर कैंट। बहुत शुक्रिया जी पंडित साहब, आज की बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा, और थोड़ी सी दुख भी हुआ, थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई कि अपना सब कुछ इस तरह छोड़ देना हर इंसान के बस की बात नहीं है।
खुदारा ऐसे लोगों की कदर करें, ऐसे लोगों से प्यार करें। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, देखते रहिए सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, ये है मेरा पाकिस्तान एंड सिख पीरियड फॉर स्टेप इन पाकिस्तान। फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सच के साथ, खरे सच के साथ। आज फिर मैं खरा सच लेकर हाजिर हुआ था। इस वक्त मौजूद हूँ मैं रिसालपुर कैंट में, मंदिर वाल्मीकि, और मेरे सामने बैठे हैं पंडित किशन लाल साहब। मैं आप इजाज़त चाहता हूँ आपसे, फिर दोबारा मुलाकात होगी।